समुपदेशक अध्याय तीन समुपदेशक अध्याय तीन हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है जन्म का समय और मरण का भी समय है बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है घात करने का समय और चंगा करने का भी समय ढा देने का समय और बनाने का भी समय है रोने का समय और हंसने का भी समय छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय गले लगाने का समय और गले लगाने से रुकने का भी समय है ढूंढने का समय और खो देने का भी समय बचा रखने का समय और फेंक देने का भी समय है फाड़ने का समय और सीने का भी समय चुप रहने का समय और बोलने का भी समय है प्रेम करने का समय और बैर करने का भी समय लड़ाई का समय और मेल का भी समय काम करने वालों को अपने परिश्रम से क्या लाभ होता है मैंने उस दुख भरे काम को देखा है जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए ठहराया है कि वे उसमें लगे रहे उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं फिर उसने मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वह मनुष्य आदि से अंत तक बूझ नहीं सकता मैंने जान लिया है कि मनुष्यों के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं और फिर यह परमेश्वर का दान है कि सब मनुष्य खाए पिए और अपने अपने सब परिश्रम में सुखी रहे मैंने यह भी जान लिया कि जो कुछ परमेश्वर करता है वह सदा स्थिर रहेगा न तो उसमें कुछ बढ़ाया जाता है और न कुछ घटाया जाता है और परमेश्वर इसलिए ऐसा करता है कि लोग उसका भय माने जो कुछ हुआ वह इससे पहले भी हो चुका था और जो होने वाला है वह हो भी चुका है और परमेश्वर बीती हुई बात को फिर पूछता है फिर मैंने संसार में क्या देखा कि न्याय के स्थान में दुष्टता होती है और धर्म के स्थान में दुष्टता होती है मैंने मन में कहा कि परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा क्योंकि उसके यहां एक एक विषय और एक एक काम का समय है मैंने मन में कहा कि यह तो मनुष्यों के कारण इसलिए होता है कि परमेश्वर उनको जांचे और वे देख सके कि हम पशु के समान हैं क्योंकि जैसी मनुष्यों की वैसी ही पशुओं की भी दशा होती है दोनों की वह दशा होती है जैसे यह मरता है वैसे ही वह भी मरता है और सबों का एक सा प्राण है और मनुष्य पशु से कुछ बढ़कर नहीं क्योंकि सब कुछ व्यर्थ ही है सब एक स्थान में जाते हैं सब मिट्टी से बने हैं और सब मिट्टी में फिर मिल जाते हैं मनुष्यों का प्राण क्या ऊपर की ओर चढ़ता है और पशुओं का प्राण क्या नीचे की ओर जाकर मिट्टी में मिल जाता है यह कौन जानता है और मैंने देखा कि इससे अधिक कुछ अच्छा नहीं कि मनुष्य अपने कामों में आनंदित रहे क्योंकि उसका भाग यही है और उसके पीछे होने वाली बातों के देखने के लिए कौन उसको लौटा लाएगा